नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए किसान की मौत की, झाबुआ में फार्मासिस्ट राणावत को सेवा निवृत्त होने पर नम आंखों से दी गई विदाई की, और महाराष्ट्र के भंडारा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर एटीएम मशीन तोड़ने के लिए किए गए प्रयास की। तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव कावी में संदिग्ध परिस्थितियों में 50 वर्ष के किसान की आग की चपेट में आकर मौत का मामला सामने आया है। आपको बता रहे कि कावी गांव के रहने वाले 50 वर्षीय यादराम आज सुबह अपने खेतों पर गए थे, जहां कूड़े में आग लगी हुई थी। जैसे ही वो आग उनके खेतों तक पहुंची तो 50 वर्षीय किसान उस आग को बुझाने का प्रयास करने लगा और अचानक आग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई, जिसके बाद मृतक के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और मृतक यादराम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सतवीर प्रधान है, ग्राम कामी से हूँ मैं। क्या मामला हुआ यहाँ? ये मामला आज ऐसा हुआ था जी, एक किसान थे जो यादराम और किसान लाल, तो वो अपने खेत पर आए थे सुबह। खेत खाली था, दाव भाव फूकने के लिए डोले की छटाई कर रहे थे और डोले की घास इकट्ठी कर करके उन्होंने जैसे कि आग लगाई खेत में, तो खेत में धीरे 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 आग फैलती चली गई डाँप में सारे। तो आस पास के खेत में ये है उसमें भी आग लग गई, और जैसे कि वो बुझाने के लिए चले तो आग की चपेट में आ गए। तो यहाँ पर मौके पर कोई नहीं था, तो बाद में ट्यूबवेल वाले बिजली वाले खेत वाले आए तो उन्होंने आकर देखा पानी फेंकने के लिए हुए, तो वहाँ देखा तो यादराम जी डेथ हुई। तो कितनी उम्र रही होगी यादराम जी की? ऐसी होगी 50 पाँव में करीब। क्या काम करते थे वैसे ही? वो बिजली मैकेनिक का काम करते थे, सुबह को ड्यूटी जाते थे और रात के बेचारे 9-10 बजे करीब आके पढ़ते थे। परिवार में और कौन कौन है? दो बेटे हैं, दो बेटियाँ हैं। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवड़ में पदस्थ फार्मासिस्ट कमल किशोर राणावत को 71 साल और 3 माह की लंबी सर्विस अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में उसमें मेडिकल कॉलेज डॉक्टर विमला सिंगार ने उनका शॉल और श्रीफल देकर साफा बांध कर नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर करवड़ हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। झाबुआ से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां सासाराम लोकसभा क्षेत्र में 7वें चरण का मतदान 1 जून को सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली। शहर के सभी बूथों पर वोटिंग शुरू हुई है। अभी बूथ संख्या 139-144 पर सुरक्षा की दृष्टि से भी CRPF की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। बता दें 19,10,367 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज EVM में कैद हो जाएगा। कैसे? आज बहुत खुशी हो रही है, आज का एक पर्व है हम लोगों के लिए, जिसमें आज मैंने मतदान किया है। मैं कैमूर के सभी निवासियों से अनुरोध करूंगा कि सब लोग ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में वोट दें। ये काफ़ी समय से प्रयास चल रहा है, सब लोग इस जो पर्व है सब लोग इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पोस्ट ऑफिस चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल शाखा का कार्यालय और पोस्ट ऑफिस कार्यालय की ATM मशीन है। रात करीब 11 बजे विष्णु मरावी ने शराब के नशे में ATM को तोड़ने का प्रयास किया। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दिए जाने के तुरंत बाद भंडारा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को ATM तोड़ते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसे इलाज के लिए भंडारा सरकारी अस्पताल ले गए। इसके बाद आरोपी विष्णु मंडावी, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, बाबा मस्तान शाह के खिलाफ थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे पुलिस कार्यवाही करेगी। भंडारा से सीनियर संवाददाता निश्चली ओनोरकर की रिपोर्ट। खबर मऊ से, जहां मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र की बूथ संख्या 66 पर लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। बता दें कि आज लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान है और आज ही कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला और पूरी सरकार और हर पार्टी के भाग्य का फैसला EVM में कैद हो जाएगा। लोग इस लोकतंत्र के पर्व को उत्साह के साथ मना रहे हैं, लोग अपने घरों से निकलकर वोट डालने जा रहे हैं। मऊ से सीनियर संवाददाता दूधनाथ चक्रवर्ती की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।